हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते हैं क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 13.2। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बोलता है ए बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। तो एक बोटल का बोलता है एक बैच है, तो उसमें बोलता है 25 बॉक्सेस हैं उसमें और 12 बोतल जो हैं एक बॉक्स में। तो इस तरह के कितने बॉक्सेस हैं? 25। तो इसका पूरा एक बैच ये बनता है। तो बोलता है अगर इसी बैच में इज पैक्ड विद 20 बोतल्स इन ईच बॉक्स, तो अब ये जो बॉक्स था जिसमें पहले 25 बोतल थी, अब उसमें हम जो रख रहे हैं वो है 20 बोतल्स। तो बोलता है हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्स जो हैं इस तरह से फिल होंगे। तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ बोटल, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक बॉक्स में कितनी बोटल हैं 12, तो वैसे कितने बॉक्सेज हैं 25। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ बोटल जो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 12 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेज, हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया ये, तो नंबर ऑफ बोटल्स बराबर रहेगा, इसलिए इनको मल्टीप्लाई में लिखा है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके और इनको मल्टीप्लाई करके बोटल की संख्या जो बराबर रहेगी। बस यहाँ पे कर क्या दिया है कि एक बॉक्स में 25 है और एक में 20 है, ये कर दिया है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 20, तो 5 का टेबल से कट जाएगा, तो 5 4 20 5 5 25 और 5 4 3 12, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि बनेगा 15। इसका मतलब हो गया कि वो यहाँ पे पूछ रखा था हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो 15 बॉक्स जो हैं वो फिल इसमें होंगे। तो इस तरह से था पूरे क्वेश्चन का आंसर, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो एक दो बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। उसके बाद भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या तो व्हाट्सएप पर भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।